राम राम जी, नमस्कार। मैं मंदीप, आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं जी मंदीप का थोड़ी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो आप लेकर आए जी डंडा भाई के डेयरी फार्म से। बियाना का जो डाइट प्लान है, काफी अच्छा दूध तुलवाया जी फर्स्ट टाइम हमने। और भी जो बोलते हैं कैसे तैयार करें बच्चा, तो पूरी डिटेल वाली वीडियो आप शुरू से अब तक की जानेंगे भाई से कैसे तैयार करी। तो कुछ भाई बोलते हैं पूरा दूध पिला दिया या मोटी तगड़ी कर दी तो वो पशु दूध नहीं निकालता, तो इन्होंने कैसे तैयार करी, अच्छा दूध पे चल रही है और आगे और बढ़नी है भी। तो क्या देर न करते हुए मिलवाते हैं भाई से, पूछेंगे पूरी जानकारी वाली वीडियो होने वाली है। जो भाई अपने पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर दियो और साथ में वीडियो को शेयर कर देना जी। तो जल्दी मिलवाते हैं भाई से। तो नमस्कार अमित भाई साहब। भाई नमस्कार मंदीप भाई, भाई सारे भाई यार मेरी तरफ से जोड़ के राम राम नमस्कार। तो अपना जो शुरू से कटड़ी का डाइट प्लान रहा है छोटे बच्चे से अब तक जो हरियाणा का, वो अपन ने बताना है भी। कोई फुल फैटी कर दे या कोई बिल्कुल कमजोर रखते हैं, आगे दूध पे नहीं आते बच्चे, भाई के बारे में जानकारी लेनी है। शुरू का ये है जिस तरह आप कदे भी नहीं कटड़ी ने बहुत ज्यादा कदे भी उनको खिलाते। हाँ जी, जिस तरह छोटी थी हरियाणा तो उस बारे या अपनी बुरी ने सिर्फ 2 महीने से उगाई थी। दो महीने फुल दूध पिला, 2 महीने फुल भी नहीं, मतलब नॉर्मल था। मैंने न्यू कन्वेरा था क्योंकि जो इससे पहले रांझा था वो पूरा 1 साल तक चुंग गया था। मैंने सोचा चलो भाई रूटीन में चुंग दी रहूंगी कटड़ी, तो यार 2 महीने में हटा गई इसने, बिना बच्चे दूध देने लग गई। तो इसने सिर्फ 2 महीने दूध मिला, खुद हटा दी। मैं निपल बोतल से नहीं पिलाया, निपल बोतल पे लगी को नहीं भैया। अच्छा हाँ, निपल पे लगी नहीं। फिर मैंने ज्यादा वो मथा बचे करी नहीं, दाना खान लगी थी तो उस टाइम पे जो भैंस खाए कर दी वो दाना देना शुरू कर कोई कफ स्टार्टर फीड ना कुछ कौन दिया, सीधी नॉर्मल रूटीन में जो भैंस खाओ वो दाना खाए कर दी। हाँ जी, जब तक यहाँ भाई गैप नहीं हुई इतने बिल्कुल नॉर्मल रखी। पिछली अपने चैनल पर वीडियो भी देखी होगी आपने, बिल्कुल कमजोर रहे कर दिया, मतलब नॉर्मल जैसी कटड़ी थी नी इसी थी। फिर अपने जिस तरह बयान था महीने पहले इसका थोड़ा मोटा दाना शुरू कराया था, जिसमें जो आप मेगा लाइट होगी लेवा जो सच है जो प्रोडक्ट आप देवा हाँ वो दे, बाकी ताकि खास कह आसानी से दाना के अंदर मिला के वो मतलब 2 किलो 1.5 किलो टेम का दाना दिए करते इसने, 2-3 किलो दाना पूरा दिन में। पहले कितना दाना खा लेते क्या पीने होने थे, पहला दाना तो दिए करते भाई छोटे का कोई खास दाना, चोकर चाकर लगा दे कर दे थोड़ा मोटा, बाकी कोई तेल वगैरह एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ भी नहीं। मिनरल मिक्सर की लोड नहीं पड़ी, या पहली बार मशीन लगवाया, पहली बार में क्या बन जाएगी भाई। अच्छा हाँ, तो सही करो तो लाल किसान वाले की तरह तैयार हुई है, आम किसान की तरह पेंटर वाली बात नहीं है ना। फिर मैं तो शुरू से हरेक भाई ने यह बात कहता आया हूँ भाई, ब्याण तो पहली कटड़ी ने बहुत ज्यादा नाक हुआ क्योंकि वो पहली ज्यादा फैटी हो जाए, लीवर फैटी हो जाए उसका, फिर वो ब्याह बाद में खांदी को नहीं, खाना पीना छोड़ दे, सब यह समस्या है। पहली बहुत खाई कर दी, ब्याह बाद में खाना छोड़ गई, तो वैसे करके खाना छोड़ है। ये भी आई इसने मैंने रखी बिल्कुल कंट्रोल डाइट में। अच्छा जी, फिर जिस तरह दूध तो पीछे चलाई भाई, यू आप यू मान नहीं रूटीन में क्या होगा सिस्टम भाई, दूध का आधा फीड और प्लस 2 किलो बॉडी वेट के लिए इतना फीड देना चाहिए, मतलब की है 10 किलो दूध देने वाली मैं 5 किलो फीड पूरा दिन में खाना चाहिए। तो जिस टाइम भाई आपन पीछे चलाई 12 किलो दूध कर गई तो 6 किलो फीड दिया इन्हें, जब मान लो 14 कर दूध फिर इसने 7 किलो फीड देने लग गया। पहली ज्यादा बहुत ज्यादा ठोके को राखी 20 दिन तक, ठीक है 20 दिन में हो गया नहीं मैला मुला लाग के साफ होगी, फिर डाइट बढ़ानी शुरू करी थी। और अब इसने जिस तरह आप 12 किलो फीड देवा, बारह किलो फीड देवा जिसमें 3 टाइम में देव, 4 किलो सवेरे, 4 किलो 3 बजे सी और 4 किलो शाम में सुनते टाइम 9 बजे ही गेड़ के छोड़ा। और जिसमें ये चीज है भाई पूरा डाइट प्लान फीड आपके सामने जी, ये फीड सामने इसमें ये तो है मिक्स फीड स्टोना वाली आते हैं ये अपने खुद की मिक्स करवाएगा, स्पेशल बना हुआ आपका तरिया सभी के लिए आती है ना कोई सब, मैं अपना मेन ऑफ फीड तो भाई फार्मूला, ठीक है जी आपका फार्मूला सही होना चाहिए, फीड चेक करे तो तैयार करवा लो, जो उसमें जो राशन डला है वो ओके होना चाहिए भाई, यूं नहीं भाई आप किसी में भी तैयार करवाओ और अगला किमे भी ठोकने लग रहा है। इसमें क्या क्या मिक्स है, इसमें भाई 30 किलो मक्की है। अच्छा जी, इसमें 10 किलो है बिनोले, 10 किलो चने, हाँ जी मैं एक चीज 15 किलो बिनोले, 10 किलो चने और है इसमें भाई 10 किलो सोयाबीन की डीओसी, साथ में इसमें 8 किलो राइस पॉलिश और भाई गेहूं का चोकर है इसमें, ठीक और सोयाबीन का छिलका, ठीक है जी और मीठा सोडा, लाइव ईस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, ये सारी चीज और इसमें 4 किलो सीरा खड़ मिक्स होगी इसमें, इसमें साथ में बिनोला ही खड़ा है भाई, अलग से डालो ये अलग लगता है, साथ में ये चने खंडा। अब जिस तरह आप इसने देना मान ले, मान के चलो 4 किलो फीड देवा, हाँ जी जिसमें 1 किलो खड़ा है, 1 किलो खंडा है,
एक किलो तो कम मतलब पौना एक किलो खंडा है और फिर दो किलो या फीड है ठीक है और साथ में देवा इसका दलिया ये दलिया भिगो के देते यो ना यो पका के देवा भाई चना खंडा खड़ मिक्स है फीड ये भिगो के देवा एक साथ भिगो दे हाँ ये सारी चीज मिक्स करके दो तीन घंटे पहले भिगो दे हाँ यो पका के देवा दलिया ये है भाई प्लान सारा लेकिन इसमें क्या है भाई चीज है नहीं सारी वो बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए फीड में चना अपना घर का है बिनोड़ा में खुद मतलब अपने एरिया में मेरे फैक्ट्री है उरे जाखोद ब्रांड खड़ है जाखोद गांव में फैक्ट्री है उसकी या खड़ है उसे का बिनोड़ा ले जो टॉप का बिनोड़ा जो सब मतलब सब जो फैक्ट्री का जो बेस्ट क्वालिटी का वो बिनोड़ा आप इसमें मिक्स करवाओ और या खड़ की क्वालिटी आप चेक कर सको भाई देख लो ये देखो नहीं अपना बिल्कुल सॉफ्ट खड़ है सही असली कच्ची खानी जिसने बोला नहीं अब ये था थोड़ा सा या पहली गावड़ी खड़ा बनी अब जो आल लग रहा है और भी नया विनोड़ आ गया तो और भी टॉप की खड़ बन जाएगी तो सारा सोचता है भाई फीड अगर फीड आप दे तो फीड मैनेजमेंट सही होनी चाहिए पहली बात तो ले और दूसरी बात इसका मैं जो सामान डाला कच्चा माल जो भी वो A1 क्वालिटी होना चाहिए फिर अपन बेस्ट रिजल्ट मिला और फिर डालने का तरीका बने उधर तीन टाइम ताकि थोड़ा थोड़ा इसको अजम भी पूरा अजम करने में आसानी हो भाई इकट्ठा मतलब 12 किलो दाना देना इकट्ठा 6 किलो एकदम खाली नहीं पसंद है तो उसमें थोड़ा सा वो लोड सा ले जाए कई बार लेकिन अगर उसने 4-4 किलो करके तीन हिस्सा बांट दिया फिर तो वो 12 किलो है लेकिन वो काम 14 किलो पर करेगा तो अपनी ये गैपिन इस टाइम उम्र कितनी थी कोई बोलते हुए 14 महीने 15 महीने में भाई आप कम से कम कितना उम्र होना चाहिए आप इस रेस में शामिल को नहीं 14-15 भी डालेंगे या 4 दांत 2 दांत थी जिस टाइम या बन रही ये भाई 4 दांत होगी या है भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ तक अपने सारी 14 लिखे होड़ा अपने 2021 की जान दौड़ी है ठीक है तो अभी 3 साल की होगी 3 साल तक ऊपर की होगी 3 साल या 2021 और मार्च में गाइस का जन्म है और अभी 18 मार्च का शायद लेके आने के लिए कोई मेला छटाव के लिए कोई और मेला छटाव के लिए भाई अपन गुड़ दिया इसमें दबा के गुड़ बोलते भी आधा किलो दे दे एक किलो दे के नहीं मात्रा देनी चाहिए किलो डेली खाई कर दी किलो गुड़ डेली साथ में गुलकंद चलाया था जिस टाइम में भाई 13-14 दिन की ब्याई होगी फिर या 15-16 दिन की ब्याई मेला लग गई थी जितना तक मेला चल रहा इतना अपन गुलकंद चलाया साथ में मेला साफ हो बाद में गुलकंद बंद कर दिया गुड़ वो किलो रखे है गुड़ अब भी इसके साथ में किलो गुड़ अब भी खाने लग रही है भाई और कोई एक्स्ट्रा टॉनिक एक्स्ट्रा टॉनिक भाई जिस तरह कैल्शियम है और ये भूख का तर थोड़ा मोटा जिसका लाइव स्टली वो सेल है वो तो दिन दे रहा हूँ भाई क्योंकि ये भी जरूरी तो जरूरी है उसका पूरा असर हो क्योंकि जो दाना पशु ने खा लिया उसका निचोड़ निकलना जरूरी है जो उसका सही निचोड़ नहीं निकलिया तो पशु गोबर में काट देगा और कहते बाजी गुड़ तेल की आउटी वो दी इसने गुड़ तेल की करनी चाहिए भाई आप शुरू करे करा मेला जिस टाइम साफ हो ले पशु जब तक मेला नहीं लगता इतना आप तेल नहीं देंगे 15 से 20 दिन बाद में चलो हाँ 20 दिन बाद में शुरू कर दो 15 दिन बाद में मेला लग देता है पशु हाँ हाँ तो कितने की मात्रा होनी चाहिए उसकी वो तो पशु पे डिपेंड करा भाई किलो जितना गुड़ है उसमें पहले शुरुआत करे तो 100 ml तेल से शुरुआत करो धीरे धीरे करके उसने पाइया तेल तक भी खा जाए अपनी मानन पे बात है सेट होने पे बात है अपनी साक्षी है चाहे आधी किलो तेल दे दो उसका कोई फर्क कौन पड़ता ना दाना छोड़ दी अच्छा जी हाँ तो वो तो पशु की कैपेसिटी पे बात हो जाए भाई ये डाइट प्लान भाई ने बताया भी कितना स्टार्ट करा स्टार्टिंग से खड़ चक्कर पे रखे शुरू में तो हाँ शुरू में तो चोकर चाकर डाल दिया कोई थोड़ी मोटी जैसे मैस ने किसी ने दाना छोड़ दिया वो डाल दिया बिल्कुल दाना ज्यादा भीज गया एक टाँगड़ी भर गया उसमें गेट दिया भाई जल्दबाजी करे स्टार्टिंग में बहते ठोकने लग जाना तो वो भी गलत है और ज्यादा उसके चक्कर में भी जल्दी ब्याज है पहले बहुत ज्यादा ठोक दे वो भी गलत हो जाए कुछ नहीं है दूध देना भाई ब्रीड ने नस्ल ने दूध देना 80% रोल नस्ल का हुआ 10% अपना फीड का हो गया 10% अपनी मैनेजमेंट का हो गया बिल्कुल जी जो नस्ल है वह तो भाई भूखी रहे भी दूध दे देगी भाई उसका 2 किलो घाट दे देगी लेकिन दूध वाली ही दूध देगी तो अपना लास्ट में एड्रेस और फोन नंबर बता दीजिए एड्रेस है भाई अपना गांव मैलसरा जिला हिसार तहसील मंडी आदमपुर नंबर है मेरा 99920-61751 तो भी कभी भी आप इनसे कॉल कर सकते अपने पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं कोई जानकारी लेना चाहते हैं आज की बार का ये बच्चा भी काफी बढ़िया तैयार हो रहा है और अच्छे भाई पशु रखते हैं जी और ये पूरी डिटेल वाली वीडियो आपने इनकी कवर कर दी थी फीड प्लान की क्या कुछ देते हैं
तो इतने अच्छे दूध पे चल रही है। तो आज का ये वीडियो भाई हमको कैसा लग पा रहा है जी, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़े जी, तो ताकि ऐसे अच्छी वीडियो आप लेकर के आए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए जी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सब भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। कोई अगर अदर जानकारी रह गई है तो कमेंट करके जरूर बता देना जी भाई, क्या खुद का चैनल फार्मिंग लेडर इंडिया फैमिली, उन पे आपको जवाब है कमेंट होगा वो मिल जाएगा जी। ठंडा गेंद हुआ है।